रहे हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, धर्मवीर चौधरी भी हैं बहुजन समाज पार्टी से। स्वागत है धर्मवीर जी आपका। चलिए आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान पंकज श्रीवास्तव है मेरे साथ कांग्रेस से। पंकज जी, ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लगते रहे हैं कि इस तरह से जो ये एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल दरअसल डराने और धमकाने के लिए किया जाता है, तो फिर आज अगर ये रेड हो रही है तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है उस पर? नहीं, मुझे जहां तक पता है कि ऐसा कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि किसी को अगर इस तरह के तमाम एजेंसी जो भी हो सके वो करें, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने तो साफ किया है। अब लखीमपुर खीरी गई जिस दिन प्रियंका गांधी, उनके घर पर 77 इनकम टैक्स के नोटिस आई, कुछ हम लोगों ने इस पे वो नहीं किया है। ना आप कांग्रेस पार्टी को डरा सकते हैं, ना उसे आप किसी तरह से लोभ दे सकते हैं, ये तो हमारी बात है। लेकिन असली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज जो किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो हुआ है, ये दरअसल एक नूरा कुश्ती। देखिए, कांग्रेस पार्टी उन महत्वपूर्ण मुद्दों को ला रही है इस पूरे चुनाव में, जो पूरा नैरेटिव बदल रहा है। महिलाओं को 40% टिकट देना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, या किसानों के जो गन्ना का, गेहूं का, धान का ये जो प्रश्न है वो मुद्दे लाना, स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात करना। इस तरह से कांग्रेस चाहती है कि मुद्दे पर राजनीति हो, बाकी चीजें जो होती है उन पर राजनीति ना हो, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। उत्तर प्रदेश पिछले 32 सालों से एक कुशासन के अंधेरे में है। तब जब ये मुद्दे लगातार बड़े हो रहे हैं, आज महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा मुद्दा है, प्रतिज्ञा पद यात्रा राहुल जी और प्रियंका जी ने अमेठी में निकाली जिसमें लाखों लोग उमड़ के आए, आज उस इन मुद्दों पर बहस ना हो तो ये लोग चाहते हैं कि कहीं पे आप रेड कर दो, कहीं कुछ कर दो। अरे भाई, आपके पास 5 साल, 7.5 साल है, 7 साल, 7.5 साल चल रहा है, जितना रेड करना हो करते, हमेशा आपको आजादी कौन रोक सकता है? आप दो बातें कर रहे हैं, आप खुद ही दो बातें कर रहे हैं, आप खुद ही दो बातें कर रहे हैं ना। अभी आप कह रहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर जाते जाते आप, मतलब जब आपकी बात खत्म हो रही है फिर आपने वही छोड़ दिया, वही शुरू। मैंने बताया कि टाइमिंग को लेकर कुछ क्यों है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जवाब दूंगी इस पर। एक सेकंड, एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।